नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस की ओर। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले खत्म होंगे गहलोत राज के नए जिले। रिव्यू कमेटी ने कहा पंचायत चुनाव टलने की संभावना। केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत चित्तौड़गढ़ प्रवास पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर बड़ी कार्य योजना बनेगी। कोटा दशहरे मेले में 500 ड्रोन से रामायण दिखाई जाएगी, लाइव एंड साउंड शो भी। मेले में 20 करोड़ का इंश्योरेंस किया गया। केकड़ी पुलिस ने किया 9 लाख की लूट का खुलासा, लुटेरी पत्नी को पकड़ा, पति की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। जालौर के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बालवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति और इससे संबंधित बैंक दी जालौर सेंट्रल का कोऑपरेटिव बैंक शाखा सायला में करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया। मामले में सहकारी समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक एवं दी जालौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा सायला के ऋण पर्यवेक्षक आशोराम मेघवाल को गिरफ्तार किया। फिलहाल प्रकरण में अन्य कथित आरोपियों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान जारी है। विष्णुगढ़ से सुरेश धवल की रिपोर्ट। 2 साल पहले अलवर स्टेशन पर गुमशुदा मिले बिहार मुजफ्फरपुर के 2 बालक चंदन व राजन बरसों बाद अपने परिवार से मिल पाए हैं। परिवार को सालों के बाद जैसे दीपावली का तोहफा मिल गया है। जिसने भी ये मंजर देखा वो अपनी पलकों से बहते आंसू रोक न पाया। अलवर के एक बाल गृह में रह रहे बच्चों ने परिवार को मिलने की उम्मीद दी और उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की कोशिशों और जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग व बाल कल्याण समिति के अथक प्रयासों के चलते बालकों की घर वापसी संभव हो सकी है। जिला प्रशासन की टीम से सहायक निर्देशक रविकांत, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा, संरक्षण अधिकारी सतीश चौधरी व बाल गृह संचालक नरेंद्र सिंह ने बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने में अहम भूमिका निभाई। अलवर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में शारदीय नवरात्र के समापन पर अष्टमी और रामनवमी के शुभ अवसर पर दिन भर मंदिरों घरों में मां देवी की पूजा अर्चना की गई और कन्या भोजन कराया गया। वहीं रात्रि में जगह जगह मां देवी के जागरण किए गए। श्री बाबा बजरंग दास के यहां मां करौली वाली कैला देवी का भव्य दरबार सजाया गया और भोर होने तक देवी माँ का जागरण भी हुआ, जिसमें कलाकारों द्वारा माँ की भेंट प्रस्तुत कर भक्तों का मंत्रमुग्ध कर दिया गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 सालों तक हरियाणा राज्य में सुशासन दिया है, चित्तौड़ दुर्ग के विकास के बारे में पूछे गए प्रश्न के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ओर से की गई बैठक में कुछ विषय संज्ञान में लाए गए जो कि चित्तौड़गढ़ के पर्यटन से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम सभी के लिए मान सम्मान और अस्मिता का विषय है, इसी के चलते इसके संरक्षण के विशेष कार्य करने की योजना बनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पिछले 10 साल तक हरियाणा राज्य में सुशासन दिया है, पर्ची और खर्ची की जो व्यवस्थाएं हरियाणा में होती हुआ करती थी उनको समाप्त किया है, तो हरियाणा का सामान्य व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियां और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और बाद में नायब सिंह जी की सरकार के द्वारा, या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपने आप को हरियाणा को अव्वल स्थान पर हमेशा रखा, उसके चलते हुए हरियाणा की जनता को भरोसा था, आम लोगों को भरोसा था, उनका विश्वास था और उस विश्वास ने जो है भारतीय जनता पार्टी को परिणाम का ये आशीर्वाद दिया है। उससे पहले के 10 साल में जिस तरह का कुशासन, जिस तरह का जातिवाद, जिस तरह का परिवारवाद, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की दुर्व्यवस्था लगातार हरियाणा ने देखी, हुड्डा साहब के शासन के समय, चौटालाओं के शासन के समय में, हरियाणा की जनता के दिल और दिमाग से उसके खौफ अभी तक हटा नहीं था। इसलिए हरियाणा की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद, अलगाववाद, बिखरावाद, इन सब से आगे बढ़ करके, इन सब से ऊपर उठ करके विकासवाद को प्राथमिकता दी। लंबे देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट लाने वाली पार्टी बनी है। जो दूसरे नंबर पर पार्टी है उससे भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट ज़्यादा मिला है। यदि प्रदेश की जनता के भरोसे के दृष्टिकोण से देखें, भारतीय जनता पार्टी जो है उसने सबसे ज़्यादा वोट और भरोसा जम्मू कश्मीर के चुनाव में हासिल किया है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जिस तरह से शांति से लगभग 3.5 दशक बाद पहली बार चुनाव, VDC के इलेक्शन से लेकर के लोकसभा और विधानसभा तक के चुनाव,
जिस प्रचंड मतदान के साथ में संपन्न हुए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण वो है। हम सरकार न बना पाए होंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा विश्वास अर्जित करने वाले दल निश्चित रूप से बने इस चुनाव। लेकिन कुछ विषय आदरणीय विधायक महोदय ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कलेक्टर साहब ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे संज्ञान में लाए हैं, जो चित्तौड़ के पर्यटन से संबद्ध है। निश्चित ही चित्तौड़गढ़ में पर्यटन बढ़े, पर्यटक चित्तौड़गढ़ में कुछ न कुछ ऐसा नया अनुभव कर सकें ताकि उनका यहाँ प्रवास अधिक हो। कम से कम एक रात्रि ये डे डेस्टिनेशन के बजाय नाइट आउट डेस्टिनेशन किस तरह से बने, इसको लेकर के निश्चित रूप से जो है राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर के हम सब लोग काम करेंगे। चित्तौड़ का दुर्ग हम सब के लिए हमारे मान सम्मान मर्यादा और अस्मिता का विषय है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस भारत के सनातन मतावलंबियों के स्वाभिमान का विषय है। जो चित्तौड़ के दुर्ग के संरक्षण के को लेकर के और चित्तौड़ का दुर्ग ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेरक किस तरह से हो, इसको लेकर के निश्चित ही हम सब लोग मिलकर जो है गंभीरता के साथ में प्रयास करें। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पर्यटन हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है। बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कराना राज्य सरकार का विषय है। लेकिन निश्चित ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है, मैं राजस्थान की सरकार में जो कंसर्निंग लोग हैं उनसे निश्चित रूप से इस विषय पर बातचीत करूँगा। महंगे शौक पूरे करने के लिए एक पति पत्नी ने मिलकर 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। केकड़ी सिटी पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए लुटेरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका पति अभी भी फरार है। ये घटना 6 अक्टूबर की है, जब अजमेर के रहने वाले जितेंद्र सांसी के साथ जयपुर भीलवाड़ा बायपास पर ज्योतिबा फूले सर्किल के पास 9 लाख रुपए की लूट हुई थी। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी धुरालाम ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की जांच की और सूचना के आधार पर कोटा के लाडपुरा निवासी दिव्या वैष्णव को गिरफ्तार किया। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बांसूर कस्बे के नारायणपुर रोड एक निजी कॉलेज परिसर में नवरात्र अष्टमी के चलते 17वीं डांडिया तथा गरबा नृत्य का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की व्यवस्थापक अंजू जय सिंह मीणा एवं नगरपालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने मां दुर्गा देवी की चित्र छाया पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। व्यवस्थापक अंजू जय सिंह मीणा ने कहा कि कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। बांसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। के प्रांगण में पधारे सभी माता के भक्तगण, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। कल दशहरे की भी आपको बहुत बहुत पावन शुभकामनाएं। आप सब यहाँ पधारे हैं, ये मत्स्य ग्रुप आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है, आपको धन्यवाद देता है। और मैं हमेशा यही निवेदन करती रहूंगी आपसे कि इसी प्रकार से आप हर प्रोग्राम में सहयोग करते रहे हैं। मैं यहाँ मत्स्य ग्रुप की डायरेक्टर होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं हैं वो हमेशा खुश रहे। और मैं माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको हमेशा विद्धि दे, सिद्धि दे और आपके वंश में वृद्धि दे, खूब सारा धन दे और पूरे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े और आपको हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। और इसके बाद भी आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के इतिहास की तीसरी साधारण सभा बैठक 24 अक्टूबर को कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव की अध्यक्षता में होगी। दीपावली से पहले इस बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण, वार्ड्स की विकास कार्यों के साथ ही समितियों के गठन जैसे की प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगरपालिका एक्ट के मुताबिक निगम में 60 दिनों में एक साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम हेरिटेज में पिछले 3.5 साल में महज 2 साधारण सभा की बैठक हुई। ऐसे में मेयर बनने के बाद कुसुम यादव ने सबसे पहले पार्षदों की मांग पर साधारण सभा की बैठक बुलाने का फैसला किया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सभा तो अगर हम मेयर के पद पे हो तो आपको बुलानी ही चाहिए, क्योंकि साधारण सभा यहाँ की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर होती है, पार्षदों की समस्याएं जनता की समस्याओं को लेकर होती है, विकास को लेकर होती है। मुझे लगता है इस महीने में हम सभी MLA से हम बात कर रहे हैं, सभी हमारे MP सबसे भी बात करेंगे, जो भी डेट निकल कर आती है इसी महीने में सभा की पूरी तैयारी है। और कुछ प्रस्ताव भी हमने पार्षदों से भी मांगे हैं, प्रस्ताव आने के बाद एक बार एजेंडा बनाया जाएगा और सदन सभा की जाएगा, समितियां बन जाए इसकी मांग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जल्दी जो कांग्रेस ने ये काम नहीं किया था, समितियां नहीं थी, सारा कुछ सेंट्रलाइज था, हम चाहते हैं कि जल्दी समितियों की घोषणा।
देश भर में विख्यात कोटा दशहरा मेला में पहली बार लाइट एंड साउंड शो किया जा रहा है। 3 दिन तक 500 ड्रोन से आसमान पर रामायण दिखाई जाएगी। इसमें भगवान राम से लेकर रावण तक का किरदार खास होगा। शनिवार को मेला परिसर स्थित विजयदशमी रंगमंच पर परंपरागत तरीके से रावण दहन किया जाएगा। इससे पहले शाम करीब 6 बजे भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी गढ़ पैलेस से निकलेगी। खास ये भी है कि इस बार मेले का 20 करोड़ का इंश्योरेंस कराया गया है। शाम 7 बजे रावण दहन किया जाएगा। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। टॉक के निवाई क्षेत्र में बड़ी खबर है, जहां बंशीपुरा मोड पर कार व ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। NH11 पर 7:45 पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। दत्तवास थाना अधिकारी हेमंत जनागल ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कार जयपुर से लालसोट की ओर जा रही थी। पुलिस ने निवाई CHC की मोर्चरी में दोनों शव रखवा दिए हैं। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। गहलोत राज में बने नए जिलों के लिए बनी रिव्यू कमेटी छोटे जिलों को खत्म करने में अब सहमत है। रिव्यू कमेटी ने का कहना है कि इससे 7000 ग्राम पंचायत के चुनाव टलने की संभावना बढ़ेगी। कानून मंत्री ने भी साफ तौर पर इसके संकेत दे दिए हैं कि बिना जिलों पर फैसले के वन स्टेट वन इलेक्शन का काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि दीपावली के बाद इन मुद्दों पर भजनलाल सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।